Okay, guys. Okay. इस अवार्ड फंक्शन में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा? नहीं, कल्याण जी जाना का ये जो अवार्ड फंक्शन है, इसमें आके बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पुराने लोग जो है ये हम लोग इकट्ठा होते हैं इसमें। और अवार्ड बड़ी बात नहीं है, मेन चीज़ है एक दोस्ती भी दिखाई देता है और एक हौसला भी होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ के कल्याण जी भाई के अवार्ड फंक्शन। उनके बारे में अलग अलग कैटेगरी जो है ना, अलग अलग प्रोफेशन के लिए उनके बारे में कुछ कहना चाहिए। बोलना दादा का कहना ये है कि जो एक गुलदस्ता बनाता है, एक गुलदस्ता बनाता है जिसमें एक्टर भी होते हैं, जिसमें दादा हाउस फीलिंग अवार्ड फंक्शन स्टेज पे आप गए, आपके बहुत पुराने मित्र मिल गए, सुनील दर्शन जी मिले थे, उनके बारे में सुनील दर्शन क्या अच्छा लगा? जैसे कि आज यहाँ पे मेरा सबसे पहले तो सुनील दर्शन जी मिल गए, और मेरा ये मिल गया मेरे को, और सबसे बड़ी बात है ऐसे हम लोग मिलना मिलाना बहुत कम होता है, लेकिन आज बहुत साल बाद सुनील दर्शन जी को देखने को मिला मेरे को, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे को मज़ा इसलिए आया कि हमारे पुराने लोग जो है बहुत सारे, उन लोगों को मैंने देख पाया, जैसे कि डांस डायरेक्टर हो या और भी कोई क्षेत्र का जो अच्छे प्रदर्शन एक समय किया, उनको बुला के अवार्ड देना, दैट इज वेरी एंथुसियास्टिक। दादा अभी मेरी फिल्म आ रही है कॉफी विद अलोन, कॉफी विद अलोन, हाँ, शुभकामना और आशीर्वाद दीजिए। शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका फिल्म हिट हो, बस मैं यही चाहता हूँ, खाली ये गवाते नहीं है मेरे को, खाली अरे बाप रे, खाली बोलता आशीर्वाद दे दीजिए, प्रॉमिस कीजिए आप मेरी फिल्म में गाएंगे, खाली बोलता आशीर्वाद दे दीजिए, प्रॉमिस कीजिए आप गाएंगे, प्रॉमिस कीजिए आप गाएंगे, नहीं नहीं गाऊंगा गाऊंगा, हां पक्का, धन्यवाद कल्याण जी जाना और पूरी टीम का जो ये इतना प्यारा अवार्ड हमें दिया, और मैं उससे ज्यादा इसलिए भी गदगद हूँ कि सर लिलीपुट साहब से मेरी मुलाकात हुई, इनको हमने फिल्म में पर्दे पर देखा है, विक्रम बेताल का रोल करते हुए देखा है, कॉमेडी करते हुए देखा है, सीरियस करते हुए देखा है, बचपन में जो दादा दादी की कहानियां आती थी उसमें देखा है, और आज साक्षात देखा है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आपको साक्षात देखे। ओह माय गॉड, मैं लिलीपुट साहब के साथ में रहकर आज ये अवार्ड मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए फैन मोमेंट है, मैं इनका जबरदस्त फैन हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और ऐसे ही हमेशा लोगों को हंसाते रहे। बहुत बहुत ये मेरी लिली तो सॉरी दिल्ली तमन्ना है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लंबी आयु की दुआ देना जो है वो लोग अच्छा समझते हैं, मगर मैं अच्छा नहीं समझता। क्यों? वो तो कहते हैं तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, अभी दुआ दे रहा है कि वह दुआ दे रहा है। बहुत खैर, सुनील ने इतना प्यार दिया है, उसे पता ही नहीं है कि मैं चुपचाप रहता हूँ, चुपचाप दिल से प्यार करता हूँ, और इसके लिए बहुत सारे आशीर्वाद हैं। लेकिन आज जो खास मोमेंट है वो अवार्ड का है, कल्याण जाना ने जो है वो हम लोगों को नवाजा है, अवार्ड दिया है, हौसला अफजाई की है, ये कल्याण जाना के लिए बहुत सारे आशीर्वाद हैं हमारी तरफ से, और ऐसे फंक्शन वो करता रहे, यही मेरा कहना है। श्योर, थैंक यू। मेरा नाम है डीजे राज, और हम मैनेज करते हैं डीजे इंस्टीट्यूट मुंबई में, ऑलमोस्ट 20 इयर्स कंप्लीट हो रहा है। डीजे इंस्टीट्यूट मुंबई में डीजेस को ट्रेनिंग देने का काम करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग हमारे पास आते हैं,
और थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड कि आपने हमें रिकॉग्नाइज करा, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। पहले तो मैं ये कह दूं कि जब भी तुम्हें इज्जत या मोहब्बत मिलती है तुम्हें उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए और उन जगहों पे जाना चाहिए जहां तुम्हें इज्जत और मोहब्बत मिलती है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत काफी पुराना अवार्ड है और इंडस्ट्री इनके नाम से शुरू हुई थी। कल्याण भी हमारा पुराना दोस्त है, सो आई एम ग्रेटफुल के मुझे बुलाया है और मुझे सम्मानित किया जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप। वो बाद में बताऊंगा, अभी कुछ और पूछो। ये हमारे बहुत अच्छे शकील सैफी हमारे बड़े भाई साहब है, दिल्ली से है, काफी अच्छे काम भी करते हैं, इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। मैं हाजी शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमोनी, और मैं अपने एजाज भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और मैं दिल्ली से आया हूँ, और थैंक टू एजाज भाई और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड। देखो सलमान खान एक ऐसी शख्सियत है जिसके साथ दुआओं का काफिला चलता है, और जिसके साथ दुआओं का काफिला चलता है उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। वो आदमी इतने लोगों की मदद करता है, इतने लोगों का घर चलाता है, चलाता अल्लाह है लेकिन जरिया उनको बनाया है, तो दुआएं उनके साथ है तो वो सेफ है, बहुत सेफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये DPIF अवार्ड फंक्शन में मैं आया और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जिनके नाम पर ही अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, एक ऐसी महान व्यक्ति थी जिस वक्त पिक्चर के बारे में इस पूरी दुनिया में कोई सोचता नहीं था, देश में नहीं सोचता था। मैंने उनकी एक मूवी हरिश्चंद्राची फैक्ट्री देखा, तो जो लोग सोच नहीं सकते थे वो करके दिखाया उन्होंने, यानी फिल्म इंडस्ट्री में जाना यानी बहुत गलत बात है, ऐसी सोच रखने वाले उस काल में ये बंदे ने देश के बाहर जाकर लंदन में वो सीखा, और एक सामान्य फैमिली का बंदा, सभी दृष्टि से आर्थिक प्रॉब्लम में रहा हुआ बंदा, उसे कोई भी इंग्लैंड में नहीं जान रहा था, और उस वक्त आज जैसी मोबाइल सोशल मीडिया कोई भी गैजेट्स अवेलेबल नहीं थी, उस वक्त जाके वहाँ जाना, वो सीखना, सीखने के बाद उनको वह ऑफर दी गई कि आप वहाँ पर रुकिए, इसके बावजूद भी छोड़कर अपने देश में आना, सब चीज सोचने के बाहर है, और उनका अवार्ड मिलना, और वो भी उनको मिलना जो अभी उभर रहे हैं, उनके बारे में हमारे जाना जी सोचते हैं, बहुत कुछ अलग था। बहुत प्रभावित हुआ हूँ इस अवार्ड से, और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से अवार्ड, जिन्होंने इस महाराष्ट्र को बनाया, पूरे देश को एक अलग सोच दी, ऐसे महाराष्ट्र के हमारे भगवान शिव छत्रपति के नाम पे अवार्ड था। तो मुझे लगता है बड़े बड़े अवार्ड्स तो सब बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, लेकिन उभरने वाले लोगों को वो और उभरे, और जितना भी उभरे है सोशल वर्क में हो, मीडिया में हो, आर्ट्स में हो, उनको उनके काम के बारे में मोटिवेट करना, ये सबसे अच्छी बात है। और जाना जी के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, एक बंदा ऐसा है छोटे से घर से आया
लेकिन अलग जहां पर जाकर अपना मुकाम बनाया है, मैं एक ही बात बोलता हूं, और उनके काम में परफेक्शन भी है। मैंने एक वाक्य सुना था, ब्रूसली का वाक्य है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट फाइटर हु नोज 1000 किक्स, बट आई एम अफ्रेड ऑफ दैट फाइटर हु नोज हु हैज मास्टर्ड 1 kick 10,000 टाइम्स। यानी मैं वो फाइटर को नहीं डरता जो 1000 टाइप्स किक को जानता है, लेकिन ब्रूसली ने जो कहा, मैं उस फाइटर से डरता हूं जिसने एक किक 10,000 टाइम्स मास्टर की हो, प्रैक्टिस की हो, दैट इज कॉल्ड परफेक्शन। और बात ब्रूसली ने कही है तो परफेक्शन के बारे में इससे ज्यादा और अच्छी तरह कोई बता नहीं सकता है। और वही परफेक्शन नाजा जी के उनके उनके कामों में है और वो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रयास को बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली फंक्शन था सोशल आर्ट्स का, इसके लिए मैंने मेरे स्कार्फ डाला था वो भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा है। मलाड की जनता परिवर्तन मांगती है, मलाड की जनता विकास चाहती है, मलाड की जनता वही वही चेहरे को देखकर थक गई है। उसी चेहरे ने, उसी पार्टी ने 25 साल तक उनको चूस लिया और अभी वो अलग तरह का विकास चाहती है। उन्होंने मन बना लिया है, सोच बदल दी है और आने वाले इस चुनाव में इस बदलाव को हम देखेंगे। और इस चुनाव के बाद आने वाले 5 साल में मलाड की जनता भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो मुझे कैंडिडेचर दिया है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए कमल के चिन्ह के ऊपर बटन दबाकर एक अलग विकास के दुनिया में प्रवेश करेगी। और 5 साल में हम वो मुकाम छू पाएंगे जो 25 साल से हम मरूफ है, ये आने वाला चुनाव आपको दिखाएगा। अरे मुझे रणनीति करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ फेस हूं। ये जनता की आवाज है, जनता की सोच है, क्योंकि परिवर्तन वो मांग रहे हैं। मैं तो फेस वैल्यू पर हूं और आप महसूस करेंगे, क्योंकि ड्रेस से पूरा मलाड छूता है, खड्डे वाले रास्तों से मलाड पीड़ित है, हॉस्पिटल की हेल्थ की सुविधा से मलाड महरूम, और इसीलिए मलाड ने मन बना लिया है। स्ट्रैटेजी तो उस चीज के लिए बनाती है, वहां कष्ट करके कुछ जाना पड़ता है। ये तो जनता की मांग है, चुनाव तक रुकी है, चुनाव में हासिल कर लेंगे और आगे जाएंगे। धन्यवाद। तिकार चौरी छोरा फिल्म है, फिल्म का नाम है। नेशन वाइड आंदोलन हुआ था 1922 में, महात्मा गांधी ने शुरू किया था ये फिल्म 1922 पर, तिकार चौरी छोरा उसी पे बेस्ड है, जिसके लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। रवि किशन उसमें मेन भूमिका में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी, उन्होंने वीडियो निकाला इसके ऊपर और वो वीडियो से इंस्पायर होकर ये फिल्म बनी। ये फिल्म रिलीज हो गई लास्ट ईयर, इंटरनेशनली रिलीज हुई है, पूरी दुनिया में दिखाई गई, अमेरिका, यूके, इंडिया, और अभी वापस री रिलीज हो गई, फिर से रिलीज हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरा पहला अवार्ड इस फिल्म के लिए। इस फिल्म से पहले मुझे दादा साहब फाल्के मेरी बुक के लिए मिल चुका है, लेकिन इस फिल्म के लिए ये बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिलकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे साथ मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं अमित जी हैं, मेरी वाइफ, आई एम वेरी प्राउड, वेरी ऑब्लाइज्ड। या बस अभी का अगला फिल्म के लिए मैं म्यूजिक दे साथ में हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, खबरी 420, जिसका म्यूजिक है जी जी, खबरी 420, खबरी 420। ये इस फिल्म की को प्रोड्यूसर हैं अंजू खरे, मेरी वाइफ भी हैं ये जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अंदर से बढ़ गई थी, जो अवार्ड मिल गया मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, मैं भी प्राउड हूँ।
थैंक यू सर। चलो सर, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में शामिल हुए? अनेक वर्षों से कल्याण जी जाना अवार्ड फंक्शन करते हैं, आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से अवार्ड सेरेमनी बहुत धूमधाम से मनाई गई। हमारे बीजेपी के सीनियर लीडर गोपाल शेट्टी जी के हाथों से यहाँ अवार्ड दिए गए, बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम आए। मैं यहाँ पर कल्याण जी को मोटिवेट करने आया हूँ, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ में, धन्यवाद। दिवाली की सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इलेक्शन का समय है, लोगों को हारमोनी मेंटेन करनी चाहिए। मेरे तरफ से सभी मीडिया वालों के माध्यम से, मेरे सभी दोस्तों के माध्यम से मैं दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, धन्यवाद। मैं डालिया मित्रा, सिंगिंग के लिए आज मुझे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। आप लोग को तो पता ही है अवार्ड किसी को मिलता है तो कितना खुश होता है, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव है ये मुझे आज मिला, इसीलिए कल्याण को मैं बहुत उसको बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मेरी गाने को सब लोग प्यार दिए, इसीलिए अभी मैं मेरा कुछ दिन बाद ही मेरा पिक्चर आ रहा है लाडली बेटिया, उसका मैं थोड़ा सा एक गाना सुनाती हूँ। गंगा मैया ओ गंगा मैया, गंगा मैया सुन ले रे मेरी कहानी, बिटिया तेरी हो गई बेगानी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। ये तो मतलब ये सवाल ही अजीब है कि आपको अवार्ड मिला है तो आपको कैसा लगा? जिसको भी अवार्ड मिलता है आपको बहुत खुशी होती है ये जानकर कि चलो जो उसने मेहनत की है, जो उसने कोशिश की है, वो लोगों ने रिकग्नाइज किया है, उसका उसे एक छोटा सा फल मिला है। इस बात की मुझे खुशी है कि मुझे ये छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2024 मुझे मिला, और उससे ज़्यादा मुझे खुशी है इस बात की कि कल्याण जी जाना जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस अवार्ड के, उनका जो मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ, जो मैं तरक्की देख रहा हूँ, वो देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है। और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड, इनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। हाँ जी, अभी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी हमारी शूटिंग खत्म हो चुकी है। फिल्म का नाम है पब्लिक का हीरो, उसकी शूटिंग खत्म हो गई है और इसकी एडिटिंग चल रही है, और एक मैं नई वेब सीरीज डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, उसकी तैयारी चल रही है। मेरा अवार्ड यस देखिए, अभी मुझे अवार्ड मिला है। कल्याण जी जाना बहुत पुराने साथी हमारे, और जब भी ये कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग को ज़रूर याद करते हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे दार्शिक मुंबई प्रेस मीडिया की तरफ से ये अवार्ड मिला है, तो थैंक यू सो मच। आगे क्या पूछना है वो पूछो। मेरा नाम फैयाज अली खान हुआ और आज कल्याण जाना जी की तरफ से ये अवार्ड फंक्शन रखा गया था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो ये कई सालों से करते हुए आ रहे हैं और अच्छे पैमाने पे करते हुए आ रहे हैं। इंडिया में तो करते ही है ये, कल्याण जाना भाई अभी दुबई में भी ये अवार्ड शुरू किया उन्होंने, 2-3 साल दुबई में भी किया, और जितने नया टैलेंट है उन सबको कल्याण जाना भाई अवार्ड देते, तो बहुत खुशी हुई आके और अवार्ड मिला है मुझे, उसकी भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल्याण जी की एक खासियत है कि जितने भी उनके पुराने साथी हैं, चाहे वो किसी भी
डिपार्टमेंट में हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, टेक्नीशियन हो, वो सबको बुला बुला के जिसके जो लायक है उसको अवार्ड देते हैं। अभी दिल्ली से बुलाया सैफी भाई को, उनको अवार्ड दिया, अयाज भाई को दिया, तो ये बहुत बड़ी खासियत है उनकी और हम लोग भी पूरा उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई एक आदमी एक अच्छा काम कर रहा है इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आज फैयाज मेरे बेटे को भी अवार्ड दिया, मुझे भी दिया। थैंक यू सो मच कल्याण जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बस दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो पूरे देशवासियों को और हम सब लोग मिलजुल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलजुल के दिवाली मनाते हैं, ये तो नेशनल फेस्टिवल है। तो मैं आप सबको भी मीडिया के सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पूरे हिंदुस्तान को मैं दिवाली की एडवांस में हैप्पी दिवाली कहना चाहूँगा और दिवाली स्वीट्स का फेस्टिवल एक जो सबका मुंह मीठा किया जाता है दिवाली में, तो इसी मिठास को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जाए इस दिवाली पे। तो हैप्पी दिवाली एवरीवन। थैंक यू सो मच। कमल भाई के साथ, कमल भाई पहले सबको प्यार भरा नमस्कार आदाब और बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूँ कि जब भी सम्मान मिलता है तो फोन चार गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इतना संघर्ष करने के बाद जब ये इस तरह के सम्मान मान सम्मान प्राप्त होते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। और अभी खास बात ये है कि हमारे साथ में अब्दुल्ला पठान भी हैं जो जिला गाजियाबाद से मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं। तो भाइयों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी माशाल्लाह दो चार फिल्में बड़ी अच्छी चल रही हैं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप सबके बीच में आएंगी और उनके लिए भी मैं आप सबसे बताऊंगा, बड़ी मिन्नतों से बताऊंगा, क्योंकि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई ता उम्र सफर में रहा। तो आप अपना प्यार आशीर्वाद दुआएं मुझे देते रहिए ताकि मैं काम करता रहूं और इस तरह से मान सम्मान प्राप्त करता रहूं। मेरे साथ में अब्दुल्ला भाई हैं, आपने इनके बहुत सारे वीडियो वायरल देखे होंगे कि ये कई बार ट्रक को रोके होते हैं, कई बार ट्रैक्टर इनके ऊपर चढ़ रहा होता है, बहुत सारे इनके वीडियो वायरल है। अब्दुल्ला भाई हमारे लिए वहां से आए हैं अपना मुरादाबाद से, तो अब चाहे अब्दुल्ला भाई दो शब्द कहें। और हमारे बीच में हमारे लीजेंडरी एक्टर अरुण बख्शी साहब जी भी हैं, बस कुछ ही देरों में वो आपसे मुतालिक होंगे, मुखातिब होंगे इंशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा भैया अब्दुल्ला भाई दो शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे बहुत खुशी है कि कल्याण जी ने मुझे याद किया और मैं यहाँ पर आया हूँ मुरादाबाद से, कुंदर की मुरादाबाद से यहाँ पर आया हूँ मुंबई। बहुत खुशी है मुझे। और जब धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राजकुमार पांडे मैं हूं और मुझे आज दो मतलब बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है दार्शनिक प्रेस मीडिया मुंबई का और प्रदीप पांडे चिंटू को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी जाना को, और वो हमेशा बहुत संघर्षशील हैं, हमेशा वो मेहनत करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, सारे सीनियर कलाकारों को बुलाते हैं, सीनियर टेक्नीशियन को बुलाते हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, अपने प्रेस मीडिया भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, हमारे बख्शी जी को भी सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। बस यही मेरी 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 शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ फैंटास्टिक इवनिंग, आज की शाम बहुत प्यारी शाम है, बहुत सारे पुराने दोस्त मिले हैं और कुछ लेजेंडरी डायरेक्टर भी मिले हैं जिनके साथ हमने काम किया हुआ है, और हमारे साथ एक न्यू कमर है जिनका नाम कामना है, इनको भी अवार्ड मिला है। एंड जाना जो है, जाना में आपने देखा एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी इस एनबीएस होम है बड़ी कंटेजियस है उसकी जो एनर्जी है, और वो अपनी एनर्जी से ये सब काम करता है। एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट के वो ऐसे शो करते रहे, क्योंकि कलाकारों को जोड़ने के लिए हर कलाकार में से टूटा होता है, लेकिन एक अच्छा अवार्ड जो है वो उसको जोड़ देता है, कलाकारों को जोड़ना सरस्वती माँ का आशीर्वाद होता है उसके ऊपर। एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि ऐसी महफिलें चलती रहे, खुदा इस महफिल को महफूज रखे। ये बच्चों की तरह हस्ती बहुत है, मैं एक लम्हे में सदियां देखता हूँ, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है।
अब मैं चाहूंगा कि कामना कुछ कहें। थैंक यू, नमस्कार सभी को। जी सर, जी सर, मेरा पहला अवार्ड है। थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स को थैंक्स कहना चाहूंगी। मुझे ये अवार्ड मिला, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। एंड ये सब मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स की तरफ से, या उन सब लोग जो मेरे चाहने वाले हैं, बहुत सारी शुक्रिया। जी भाई, दिवाली भाई, दिवाली ऐसा है कि भगवान करे ये दिवाली आप सब पे बहुत अच्छी जाए, कलाकार बिरादरी के ऊपर बहुत अच्छी जाए, हर परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। यही फिल्म इंडस्ट्री का एक उसूल है, एक अभिनंदन है, अभिवादन है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल। देखिए ये अवार्ड है, इस अवार्ड में हम सबको सम्मानित किया गया है, बहुत खुशी की बात है, हम सबको सम्मान मिला है, ये अवार्ड मिला है। और हम कल्याण जी जाना का आभार प्रकट करते हैं, कल्याण जी ने हमें इस लायक समझा और हम यहाँ आए। और आप सबने ये कहानी सुनी होगी, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, ये मेरे और अली खान जी के लिए बना है ये कहानी। एक कैमरे में हम दोनों नहीं आते हैं, एक कैमरे में हम दोनों कभी नहीं आते हैं। अली अली भाई, ये हम, हाँ ये देखिए, हम दोनों के लिए ये कहानी बनी है। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, एक को तोड़ना पड़ा, एक तलवार को तोड़ के तोड़ना पड़ा, तब जाके इस कैमरे में आए। ये हमेशा मुझे कवर कर देते, हर फोटो में कवर करते हैं। कई बार ये शूटिंग पर रहते हैं, मैं इनको कवर कर देता हूँ। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, दर्शकों को। आप सब अपने अपने घर पे खुशियां मनाएं, पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहें और प्रार्थना कीजिए कि हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे और सब खुशहाल रहे, हर के घर में मिठाई हो, हर घर में दिए जले, यही शुभकामना है मेरी। थैंक यू, थैंक यू। अरे बोला इससे कुछ ना। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी हियर। कल्याण जी के साथ पुराना रिश्ता है, अभी वो हमें इतना एक्लिमेशन देते हैं, हमारे काम को इतना सराहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा वेब सीरीज भी उन्होंने देखा और हमारे शोज देखे, तो वी आर हैप्पी एज एन एक्टर्स, वी आर हैप्पी कि हमें। आई वांट टू से समथिंग अबाउट अस, शी इज अमेजिंग, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और अभी शी इज लुकिंग अमेजिंग, मतलब तुम अपने पीक पे हो, सीरियसली यू लुकिंग अमेजिंग, वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह बस आप लोग हमारे फैंस और आप सब हमारे साथ रहे, ऐसे ही कीप लविंग अस, हमारा काम कराते रहे, कीप लविंग अस, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी फ्रॉम सिमरन एंड एजाज। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। दिवाली में पटाखे जलाओ, किसी का दिल मत जलाओ। सस्पेंस है, सस्पेंस है। थैंक यू, थैंक यू सो मच कल्याण जी जैना, जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया और इस लायक समझा, बेस्ट सोशलिटी का वर्कर का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको, थैंक यू सबको, अवार्ड में अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सबसे पहले कि इन्होंने हमें इनवाइट किया, और इनके पूरे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आशा करेंगे 10 ने और 10 से 10, 10 से 10, 20 साल और कंप्लीट हो जाए। और अभी इनका शो होने जा रहा है दुबई में 28th of November के लिए, जिसमें मेरे को भी नॉमिनेट किया है, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, और इंशाल्लाह दुबई भी जाएंगे अवार्ड लेने के लिए। और बस कल्याणी जी के लिए यही बोलेंगे, बहुत अच्छा काम करें, बहुत सारे सोशल वर्क भी करते हैं, ऊपर वाला बस उनको ऐसे ही बढ़ाए और हमारा सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया कल्याण जी भाई का, और ऐसे ही प्रोग्राम होना चाहिए, तो इससे लोगों को एक वो मिलता है कि हाँ हमको आगे और काम करना चाहिए, सोशल वर्कर का भी हो या चाहे फिल्म इंडस्ट्री का हो, तो ऐसे ही अवार्ड फंक्शन होना चाहिए। और आपके आप सबके चैनल के माध्यम से मैं भी एक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारी एनजीओ की तरफ से 7 नवंबर को एक समूह लगन, जिसे इज्तिमाई शादी बोलते हैं, 8 गरीब बच्चियों की शादी है बैंड्रा वेस्ट में, वो फाउंडेशन है, तो आप लोग सबसे भी आप लोग से ये है कि थोड़ा हमारा भी प्रमोशन कीजिए और सब आने की कोशिश करिए। सब गरीब बच्चे हो गए वो, इंशाल्लाह जरूर आइए आपको, आप लोगों को भी सब लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करिए, अपने लिए तो सब जीता है। हाँ, सोशल वर्क में हमारे साथ आगे बढ़िए, बहुत आपको दिल से सुकून मिलेगा। वो सुकून की नींद अलग होती है, जब हम दूसरों के लिए करते हैं वो नींद, मतलब वो नींद ही अलग है। हमने दो मतलब लॉकडाउन के टाइम पे हमने मतलब लोगों को देखा है, एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, उस वक्त हमने अपना घर वो सबको ला ला के पेशेंट को रखा था, तो उस टाइम से आज ऐसा लगता है दिल को सुकून है कि वो मतलब वो किया है हमने, आज हमको अल्लाह ने इतना नवाजा है, यहाँ तक लाके उन्होंने खड़ा किया। तो प्लीज आप लोग भी सबकी हेल्प करिए, आप लोग जरूर आइए और आप जरूर आइए मेरी संस्था में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको जब वो सब दुल्हन एक जैसे और क्राउड, आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ हम लोग कोई गरीब बच्ची को आशीर्वाद देने आए हैं, वो फीलिंग। 8 शादियां रहती है एक साथ, 7 नवंबर को है, आप लोग सब याद रखिए और जरूर आने जरूर कीजिए। मैं आपको पर्सनली इनवाइट कर रही हूँ, मेरा नाम नूरजहां पारवे, आप डालोगे तो हमारी एनजीओ का भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, आप लोग आइए, आप सब इनवाइट है मेरी तरफ से, इंशाल्लाह। बैंड्रा वेस्ट, थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप सभी के चैनल के माध्यम से जो भी मुझे दर्शक देख रहे हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ, और आज दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड में मुझे बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, सो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय फैमिली फ्रेंड्स, थैंक यू माय ऑल म्यूजिक डायरेक्टर्स राइटर्स, एंड थैंक यू कल्याण जी जाना जो हर साल ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं जब से इंडस्ट्री में आई हूँ, आई थिंक सुसंग्राम रियलिटी शो के बाद 2008-09 से, तो उस समय और अब मैं फिल्मों में मैं ये देख सकती हूँ काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले हर फिल्म में लगभग आइटम सॉन्ग होता ही था, लेकिन अभी पिछले कई सालों से फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स हमारे भोजपुरी में अभी शायद ही किसी फिल्म में, मतलब इक्का दुक्का शायद ही है, और बाकी ऑलमोस्ट जो फिल्मों के जो गाने हैं वो पहले से बहुत अच्छे बन गए हैं, और मेरे भी कई उसमें गीत हैं जिसको दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, जैसे रिसेंटली मंगन की छाँव मेरा एक सॉन्ग था, बहुत ही एक शुद्ध रोमांटिक सॉन्ग कह सकते हैं, बहुत ही प्यारा गीत, सिनूर रंग में गाना आया मेरा, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही अच्छा गाना, अभी रिसेंटली एक दिलवा में सुना गाना चल रहा था, टूना लागू मामला सोना, ये सब बहुत सारे ऐसे गाने हैं ये सब जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रहे हैं, तो फिल्मों के माध्यम से जो गाने जो पहले से जो सुनने में जो 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 लिसनर्स हैं वो अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने ट्रेंड कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अभी चंद्रमुखी 2 जो फिल्म आई थी कंगना रनौत की साउथ की, उसमें मेरा गाना है, मैंने एक्चुअली शेयर गाने नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि गुड माइंड से आया हुआ था, और जब तक फिल्म रिलीज ना हो वहाँ पे आपको पता है कि साउथ का या बॉलीवुड का कैसा है कि आप शेयर नहीं कर सकते, तो चंद्रमुखी 2 में मेरे गाने हैं, चंद्रमुखी 1 में जो रजनीकांत जी थे उसमें हिंदी वर्जन है मेरा, और बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 में मेरे जो है भोजपुरी वर्जन थे हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो कि हिंदी में, वो भी गाने हैं, KGF में मेरे गाने हैं जो भोजपुरी वर्जन से और हिंदी वर्जन हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, तो साउथ में, एंड चंद्रमुखी 2 रिसेंटली जो क्लाइमेक्स सॉन्ग था जो लास्ट में की दो लाइन आपको सुनाती हूँ, ये कौन सा, मुझे लाइंस नहीं आ रहा बट लास्ट में ये कौन
लास्ट का जो सॉन्ग है चली ओके टू में वो मेरी आवाज में है, तो अभी मैं गा चुकी हूँ फिल्मों में, सो दर्शकों का आशीर्वाद है इसकी बनाई रखी। मुझे बहुत खुशी हुई कि कल्याण जी जाना और उनके ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे दोबारा से 11th दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड बेस्ट आइकॉनिक एडवोकेट का अवार्ड मुझे दिया है, और मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन हर बार मुझे ये इज्जत बख्शी जाती है और सम्मानित किया जाता है, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरी मम्मी भी मेरे साथ में आई है, तो जो भी आज मैं इस काबिल बनाऊँ मेरी मम्मी डैडी की वजह से हैं, तो मैं आप सब लोगों का, मेरे माता पिता का और गुरुजी जिन्होंने मुझे सम्मानित किया, गुरुजी आ जाइए आप, तो आपके आपके आशीर्वाद से, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सौभाग्य है कि आप जैसे लोग साथ में हैं और आप प्रोत्साहित करते हैं, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, थैंक यू। आप भी मैडम, थैंक यू। आज के इस अवार्ड शो में घर नहीं जाए, आप लोग भी मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पता है पहाड़े संभो। आज का ये कार्यक्रम जो अवार्ड शो था, ये अवार्ड शो जाना जो करते आ रहा है ये अद्भुत है। देखिए आप लोगों को भी पता होगा जो पत्रकार बंधु हम लोग, बचपन में भी जब एक पेन या पेंसिल भी मिलता था ना अवार्ड में, तो उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं रहता था क्योंकि आज मुझे पेंसिल मिला है। और ये क्या है, उत्साहित करने की चीज। और जो जाना कर रहा है इसको देखिए, ये सब ऐसे नहीं होता है, हमारे साथ ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी, ये सब काम संभव नहीं है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का ऐसे ही बाबा ध्यान रखे। ऐसे ही कृपा रखे, मिला नीचे गिरी, हाँ होता है, कृपा रहे। और श्वेता जी, शिल्पा जी, शिल्पा जी दिल्ली से आई, और देखिए जो लोग यहाँ आए हैं ना उसमें अवार्ड लेने वाले कम थे, वो सारे लोग वो थे जो जाना को हृदय से प्यार करते हैं। आज के समय में सब किसी के पास समय नहीं, याद रखिए जो अवार्ड लेने आता है वो ये सोच के आता है हमको आज अवार्ड मिलेगा, लेकिन वो ये देखता है कि दे कौन रहा है, ऑर्गेनाइज किसने किया है, वो एक ब्रांड होता है, और उसी अवार्ड शो के ब्रांड का नाम है जाना। कि कोई भी अवार्ड शो करता है तो सब लोग उसमें जमा होते हैं, हम जैसे लोग क्यों आते हैं पता है, आशीर्वाद देने के लिए कि अपना बच्चा इतना बढ़िया काम कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ अवार्ड ले रहे थे ना, उनके चेहरे पर खुशी तो हमने देखी है ना, क्या उनका चेहरा चमकने लगा था जब उनको अवार्ड दे रहा था लोग। तो मैं इस पूरी टीम को, जाना उनकी पत्नी हमारे नोएडा से आए हैं, और शिल्पा जी इतना अच्छा काम करती है, और मैंने इनको कहा कि मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, कहाँ कौन मिलेगा और किसके नसीब से क्या हुआ, तो ऊपर वाले ने तय करके रखा। इन्होंने कहा मैं शिव भक्त हूँ, हमने कहा आप शिव भक्त हैं, आप हम भी वही हैं जो आप हैं, और ऊपर वाले ने यहाँ मिलाया है। मैं फिर से आप तमाम पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी जो जाना का सहयोग दिया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए कलाकार और एक पत्रकार दोनों में कार लगा होता है, और आपने आप इन चीजों को निभाए हैं कि आंधी आगम की चलेगी तो समर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, अरे मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। पत्रकार, पत्रकार वो होते हैं, और जिस तरह से आप लोग पत्रकार बंधु, मुझे पता है अभी तो वीडियो का जमाना है, वीडियो लगे, लेकिन जब तक इसमें आप लिखते नहीं है, जब तक एडिट नहीं करते, तब तक इसको आप ब्रॉडकास्ट नहीं करते। तो फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और शिल्पा जी आपको भी हर हर महादेव, जाना बेटा तुमको भी हर हर महादेव, बहू आपको भी हर हर महादेव, और जितने आवाजी लोग हैं, अरे वाह, हालांकि सब उम्र में हमसे छोटे हैं, सबको पीछे खड़ा किया।
क्या बात। हालांकि हम इन्हीं के उम्र के हैं, हमने शिल्पा जी ने पूछा क्या आपका, हम तो नहीं भाई भाई 26 हो गया अब आपसे क्या झूठ बोल। ठीक है अभी 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 नहीं नहीं अभी मेरा क्या दीदी बनेगा दीदी दीदी क्या एडवोकेट है। और फिर से आप तमाम पत्रकारों को दिवाली की और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव, फिर मिलेंगे। दीदी 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 दिवाली ईद मुहर्रम ये साल में एक बार आता है, ये लोकतंत्र का भारत माता का त्योहार है जो 5 साल में एक बार आता है, कहीं भी मिल जाएंगे जहां मिलेंगे वहीं दिवाली गिफ्ट दे देंगे। आज नहीं कल। हाँ दीदी दीदी एडवोकेट दीदी बोलो बोलो। जी मैं इनके हाथों से अवार्ड लेके बहुत खुश हूँ और जिस उत्साह से ये ऑर्गेनाइज करते हैं हर इवेंट। अभी भी जब मैं कहीं आउट ऑफ बॉम्बे थी और वहाँ से पढ़ा, जब इन्होंने बोला कि आपको आना है तो सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत लोग यहाँ पे अवार्ड लेने कम और इनके प्यार से खिंचे चले आए जाना होते क्योंकि ये जो रिस्पेक्ट देते हैं। और जिस इतना मैं लेट आई फिर भी इन्होंने इतने जोर जोर से अनाउंस करके मुझे भी खुश किया और इनकी एक्साइटमेंट इनकी आवाज में दिख रही थी, उसी के लिए हम सब भागे चले आते हैं। काम तो हम करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, काम तो हम दिन रात करते रहते हैं पर ऐसे लोग हमको मिल गए हैं, हमारे पहचान में आ गए, ये हमारी खुशकिस्मती है। थैंक यू अंकिता। आप सभी को नमस्कार, काफी टाइम के बाद आप लोगों की मुलाकात हुई। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, ये है तो आपके वजह से, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट। और हमारे शो को दार्शनिक मुंबई को 10th ईयर कंप्लीट हो गए हैं तो आज उसकी सेरेमनी थी और हमारे छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड को 7th ईयर हो गए हैं। इतने सालों से आप हमारे साथ हो और हमारे इस अवार्ड को आगे लेके जा रहे हो, हमारे सारे गेस्ट जो पीछे खड़े हैं सब हमारे साथ हैं, इनके वजह से हम हैं और आप लोगों के वजह से हम हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल द अवार्डीज एंड ऑल द गेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे मीडिया कुल सिंह साहब, अंकिता, शिल्पा, दिलसाद भाई, ललित भाई, प्रवीण दीदी, हमारे त्रिपाठी मैडम, बेहतरीन एंकर डॉक्टर स्वामी, तमाम मीडिया, थैंक यू फॉर बॉलीवुड अड्डा, दलविंद्र भाई मेरा भाई। मैं कल इतनी बोलता हूँ जो मेरा जो था, जो 10 साल जो मुझे जिस तरीके से मैंने लेके आया शो को 10 साल कंटिन्यू, 11 साल पैर रखा, तो ये सबसे बड़ी बात है। गोपाल शेट्टी साहब आए, कुमार सानू साहब आए, यहाँ के विनस सिलार साहब आए, तो तमाम बड़े 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 लोग आए, लेंगे तो और लाइट बंद हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ इतना खाली नहीं है, आप लोग मेरे भाई हो और भाई रहोगे, शो तो आते रहेगा जाते रहेगा, शो तो मैं हर महीना करता हूँ, लेकिन भाई भाई रहेगा, ये दोस्त दोस्त रहेगा। एक दोस्त मेरा थोड़ा सा परेशान में है, गौरव अनिल शाह, उनकी पूरी परिवार आया है, उनकी मम्मी, उनकी वाइफ, उनकी बहन सब आए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। मीडिया को इतना बोलना चाहता हूँ मेरा खाली 5 फर्स्ट, नेक्स्ट मंथ सबसे बड़ा अवार्ड हो रहा है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स और मुंबई पुलिस आइकॉन अचीवर अवार्ड जो 28 नवंबर को है, 28 दिसंबर को मेरा शो है जिसका नाम है भारत गौरव आइकॉनिक अवार्ड दुबई, और 31st नाइट में इस साल बहुत बड़ा कर रहा हूँ वहां पर, 28 को मेरा शो है और बाद में 31st नाइट है मेरा। तीसरा, मेरी बेटी के नाम से अविका बॉलीवुड कैफे में खोल रहा हूँ दुबई में, बड़ दुबई में, आप सभी के आशीर्वाद से। चौथा, हम दुबई में DPIF एंटरटेनमेंट, कुछ भी करना है दुबई में, आपको फिल्म बनाना है, आपको वहां पे 2 साल का वीजा लेना है, आपको गोल्डन वीजा लेना है, आपको वहां पे बिल्डिंग बनाना है, आपको बिजनेस करना है, आपको वहां पर कंपनी बनाना है, ये DPIF एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। और पांचवा, सबसे बड़ा लास्ट, हम दादा साहेब फाल्के का स्टैचू बहुत जल्द आसाम गुवाहाटी में हम लगाने जा रहे हैं,
जो हिंदुस्तान के 107 साल हो गया बॉलीवुड को, पहली बार किसी स्टेट में दादा साहेब फाल्के का स्टैचू लगने जा रहा है। फिर से मिलेंगे हम अगले महीना 6 तारीख को, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो दादा साहेब फाल्के जी के नाम से जो अवार्ड शो करता है उनके खिलाफ, जो दादा साहेब फाल्के जी के नाम को यूज करता है, जिनका ट्रेडमार्क भी नहीं है, ये तो हम एंजॉय चलाते हैं, वो तमाम दादा साहेब फाल्के जो ट्रेडमार्क भी नहीं है, टीएम नहीं है, लेकिन वो दादा साहेब फाल्के जी के नाम से शो करता है, मैं उनके खिलाफ, दलविंदर भाई पूरी मीडिया उनके खिलाफ 6 तारीख को अगले महीना मैं बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं ले रहा हूं। जो जब कोरोना काल में वो तमाम फिल्म वाले जिनको अनाज चाहिए था, दादा साहेब फाल्के जो कर रहा है, उन लोग कहां थे, कहां थे, ये मुझे पूछना है। और आज तुम दादा साहेब फाल्के जी के नाम से हर महीना में साल में दो दो बार तुम अवार्ड शो कर रहे हो, टीएम नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन हमारा एनजीओ है और मैं एडवोकेट दीदी मेरा यहां पर है, मैं केस लीगल करेंगे कि मेरा एनजीओ है और हम जिस तरीके से काम करते हैं हमारा नाम खराब हो रहा है, क्योंकि 15 दादा साहेब फाल्के हो रहा है इसमें हमारा नाम खराब हो रहा है, तो इसलिए 15 दादा साहेब फाल्के जो कर रहा है जिसका टीएम भी ट्रेडमार्क भी नहीं है उसके खिलाफ मैं उठा रहा हूं आवाज, क्षेत्र के मेरा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थैंक यू सो मच। दार्शनिक मुंबई का और गेस्ट ऑफ द ऑनर मिला है और मैं कल्याण जी के साथ पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। ये इतने एडमायर करते हैं मुझे और ये इतना मेहनत करते हैं और मैं लगातार इनके साथ काम कर रही हूँ और ये इतना काम करते हैं तो इनको देख के हमारे अंदर भी जोश आ जाता है काम करने का। और हम लोग के पास कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी काफी टाइम से हेल्थ खराब थी लेकिन उस हेल्थ को ना देखते हुए इनके शो में बस मुझे आना था और मैं जयपुर से आज सुबह ही फ्लाइट करके आई और मैं आई क्योंकि थैंक यू, मतलब कल्याण जी जैसा हार्ड वर्किंग और इतने अच्छे इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। ये बात है, ये कल्याण ही कर रहे हैं सबका। दिलशाद जी बहुत दूर से आप आए, दो सब देखिए कल्याण जी जाने के लिए मैं बस इतना कहूंगा कि मैं तो दुबई भी गया था और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित हुआ था और उनकी मेहनत को देखकर वो समाज के लिए बहुत बड़े रोल मॉडल है। तो ऐसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो एक महान हस्ती के नाम है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और वो जो काम कर रहे हैं लोगों को कल्याण के लिए कर रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं और भी अच्छे कार्य हर क्षेत्र में, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, चाहे वो फिल्म का क्षेत्र हो या कला हो संस्कृति हो, सबको वो बहुत समझते हैं। दिल से हमारे एंकर मेरी बहन है और इस बहन को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इनके जो पापा है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहन भी मुझे बहुत करते हैं। कल्याण जी जाना जी के लिए हम यहाँ पे हैं एंड वो गरीबों के सुपरस्टार हैं एंड वो हमेशा आर्टिस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं, टेक्नीशियंस का ख्याल रखते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और उनका ये मानना है कि दादा साहेब फाल्के जी का जो नाम है भारतवर्ष के होल वर्ल्ड में ऊंचा रहे, अभी स्टैच्यू भी बन रहा है आसाम में उनकी सिफारिश से एंड दुबई में वो अवार्ड लेके जा रहे हैं। और उनका यही मानना है कि जितने सारे टेक्नीशियंस हैं किसी को काम चाहिए, दुबई में काम करना चाहते हैं उनको काम मिलना चाहिए तो वो उनके लिए काम दिलाना चाहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों में एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं क्योंकि आपको पता है आजकल एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है एंड कल्याण जी जाना हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, कोविड के टाइम पे हेल्प किया था लोगों का अनाज देके, अभी वो जॉब भी दिलवा रहे हैं दुबई में अपना ब्रांच करके एंड बेस्ट विशेस उनका। अभी बॉलीवुड अभी का के नाम पे कैफे भी है उसके लिए बेस्ट विशेस। मैं इतना बोलता हूँ मेरे बीच में दो लोग नहीं आए हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, निंदर्सना गोवामी जो फाउंडर है ट्रस्टी है कमला मेल के फाउंडेशन के, और साथ में मैं इनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट किया लेकिन आज आए नहीं, वो सपोर्ट करने के बाद भी वो नहीं आए दीदी, वो सोशल वर्कर है गवानी मैडम, और साथ में मेरा एक जो संजय जी संजय मोडे जी जो है वो
रक्तदान करते हैं, मतलब रक्त का कैंप लगाते हैं, तो रक्तदान का सुपरस्टार है वो संजय जी, वो हमें हेल्प किया है लेकिन वो नहीं आया। देखो ऐसा भी शख्स होते हैं, हेल्प किया लेकिन वो आ नहीं पाए, तो ऐसा भी शख्स है संजय भाई, थैंक यू सो मच भाई। मेरे साथ में दुबई में मेरे पार्टनर है, मेरी मैडम लेट हो गया, उनको वाशी से आ रहा था तो पूरा टीम को लेके आ रहा था लेकिन लेट हो गया था। मेरा गेस्ट ऑनर है जो दुबई में मुझे हेल्प कर रहा है, प्लीज मुझे बताओ। नमस्कार, जय शिवराय।